Hello and welcome back. Scientists have cloned Bt toxin gene and expressed it in plants like cotton, corn, rice, tomato, potato and soybean to create biopesticides that resist insects without the need for insecticides. Scientists लोग क्या खुराफाते किए हैं? Scientists have cloned the Bt toxin gene. जो एक Bt toxin gene है ना, उसका क्लोनिंग कर दिया है. So Bt पता है Bacillus thuringiensis, वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो इंसेक्ट्स को रेजिस्ट करता है, तो उसका क्लोनिंग कर दिया है साइंटिस्ट ने और एक्सप्रेस्ड इट इन प्लांट्स, और उसको प्लांट्स में एक्सप्रेस कर दिया है. जैसे कॉटन में डाल दिया है, कॉर्न में डाल दिया है, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब चीज़ में डाल दिया है. किस में डाला? कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन में डाला है. किस लिए डाला है? बायोपेस्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जो कि इंसेक्ट्स को रेजिस्ट करेंगे विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन विद इंसेक्टिसाइड्स के बिना हम लोग इंसेक्ट्स को रेजिस्ट कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि बायोपेस्टिसाइड्स क्रिएट हो जाएगा. और कैसे क्रिएट हो जाएगा? बीटी टॉक्सिन जिन के क्लोनिंग से. एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स इंक्लूड जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस. ठीक है, तो ये सब चीज़ में बीटी टॉक्सिन जिन लगा दिया. अब सारे चीज़ रेजिस्ट करेंगे इसको, Bacillus thuringiensis. अब देखो बीटी कॉटन क्या है. इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट कंटेन्स अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ Bacillus thuringiensis. तो Bacillus thuringiensis जो बैक्टीरियम है, ये एक स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा जो कि एक टॉक्सिन निकालेगा और वही कॉटन को बचाएगा और कॉटन की क्षमता को बढ़ाएगा. बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट्स सच एज टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, बीटल्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज. जो बीटी टॉक्सिन है ना, वो क्या क्या चीज़ को मारता है? बीटी टॉक्सिन जो है वो कुछ इंसेक्ट्स को मारता है. कौन कौन से इंसेक्ट्स को मारता है? ये टोबैको बर्डवर्म, टोबैको बर्डवर्म एक इंसेक्ट है जिसका नाम है टोबैको बर्डवर्म. फिर है आर्मी वर्म, फिर है बीटल्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज. बीटल्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, ये सब इंसेक्ट्स को बीटी टॉक्सिन मार देता है. बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ बैसिलस थ्रेंजेनेसिस ग्रोथ. सो बीटी टॉक्सिन जो होता है किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? ये इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल्स. प्रोटीन क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ बैसिलस थ्रेंजेनेसिस ग्रोथ. तो जैसे ही ये बैक्टीरियम आपका बैसिलस थ्रेंजेनेसिस ग्रोथ मतलब ये इसका ग्रो करता है, तो एक पर्टिकुलर फेज में वो प्रोटीन क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है. The crystals contain an inactive protoxin that is activated into a toxic form by the alkaline pH of an insect's gut after ingestion. क्या बोल रहा है? The crystals contain an inactive protoxin that is activated into a toxin form by the alkaline pH of an insect's gut after ingestion. तो देखो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. जो crystals निकलता है ना, जो crystals contain an inactive protoxin, तो एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स निकालता है. ठीक है, जो क्रिस्टल्स होता है उसके पास इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है, और वो कब एक्टिवेट हो जाता है टॉक्सिक फॉर्म में? बाय द अल्कलाइन पीएच ऑफ एन इंसेक्ट्स गट आफ्टर इंजेशन. सो जो इंसेक्ट का जो गट होता है ना आफ्टर इंजेशन, ठीक है, तो जैसे ही वो अल्कलाइन पीएच लिया, इंसेक्ट सपोज मान लो उसको खाया. ठीक, इंसेक्ट अगर खाया तो उसका जो अल्कलाइन पीएच होगा तो फिर मतलब जहर बन जाता है वो. तो जो क्रिस्टल्स जो होता है वो प्रोटॉक्सिन होता है, उस समय में जहर नहीं बनता है. लेकिन जैसे ही इंसेक्ट के गट में जब जाता है तो उसका अल्कलाइन से टच होता है पीएच से, तो फिर वो टॉक्सिक फॉर्म में बन जाता है और कीड़ा मर जाता है. सो दिस प्रोसेस सोल्यूबिलाइजेज द क्रिस्टल्स एंड कन्वर्ट्स द इनएक्टिव टॉक्सिन इनटू एन एक्टिव फॉर्म दैट किल्स द इंसेक्ट. तो ये प्रोसेस जैसे ही वो इंजेशन करता है ना, तो वो क्या हो जाता है, जो नॉन टॉक्सिक चीज़ था वो टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जो इनएक्टिव टॉक्सिन था ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. द चॉइस ऑफ जीन्स यूज्ड डिपेंड्स ऑन द क्रॉप एंड द स्पेसिफिक पेस्ट टारगेटेड एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर स्पेसिफिक टू सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स. तो जीन्स का जो चॉइस होता है वो क्रॉप पे डिपेंड करता है. ठीक, और कौन से क्रॉप पे डिपेंड करता है, कौन सा क्रॉप हमें चाहिए और कौन सा पेस्ट को हम लोग टारगेट करना है, उस हिसाब से हम लोग चूज़ करते हैं. क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन्स होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स के लिए. समझ में आया? तो साइंटिस्ट्स हैव क्लोन्ड द बीटी टॉक्सिन जीन एंड एक्सप्रेस्ड इट इन प्लांट्स लाइक कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन टू क्रिएट बायोपेस्टिसाइड्स दैट रेजिस्ट इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. Examples of these plants include Bt cotton, Bt corn, Bt rice. Bt cotton is a genetically modified crop that contains a toxin produced by certain strains of Bacillus thuringiensis. Bt toxin kills insects such as tobacco budworm, armyworm, beetles, flies, mosquitoes. Bt toxin is produced in the form of protein crystals during a particular phase of Bacillus thuringiensis growth. The crystals contain an inactive protoxin that is activated into a toxic form by the alkaline pH of an insect's gut after ingestion. This process solubilizes the crystals and converts the inactive toxin into an active form that kills the insect. The choice of genes used depends on the crop and the specific pest being targeted, as most Bt toxins are specific to certain groups of insects. See you in the next video. Till then, bye.